सब्सक्राइब करिए एसआर मोटू वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं एसआर मोटू वर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं सुजुकी जिक्सर के प्रोज के बारे में, यानी कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिस वजह से आपको सुजुकी जिक्सर आपको ले लेनी चाहिए और ये आपके लिए अच्छी बाइक रहेगी, यानी कि ओवरऑल इस वीडियो में इसके एडवांटेजेस कंसिडर करने वाला हूं। सबसे पहले एडवांटेज आपको मिलता है जिक्सर में, वो है इसमें कंफर्ट। अगर आप दूसरी 150cc 160cc बाइक से इसको कंपेयर करते हैं तो आपको कंफर्ट जिक्सर में काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसके राइडिंग पोस्चर की वजह से, यानी कि अपराइट राइडिंग पोस्चर है, सेंटर सेट फुटपैग्स हैं और जो सीट है उसकी कुशनिंग कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छी रखी है, जिससे बैक पेन्स नहीं होंगे। तो जो सीट है ओवरऑल कुशनिंग जो है, यानी कि स्पंज जो रहता है सीट का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और राइडिंग पोस्चर भी इसका अपराइट है, जिससे आप लॉन्ग राइड्स ईजिली कर सकते हैं। तो कम्फर्ट इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट एडवांटेज यहाँ पर सुजुकी जिक्सर का जो है वो है इसका इंजन। अगर आप इंजन 155cc या 150cc सेगमेंट से किसी भी गाड़ी से कंपेयर करते हैं, तो मैंने जिक्सर राइड करी और फर्स्ट राइड रिव्यू भी कर चुका हूं, तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो ओवरऑल इंजन का मुझे ये पता चला कि इंजन काफी टॉर्की था, यानी कि रिफाइनमेंट लेवल्स हाँ थोड़ी सी कम थी, लेकिन इंजन में जो टॉर्क था और मिड रेंज परफॉर्मेंस था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ओवरऑल ट्रैफिक राइडिंग के लिए इंजन बहुत अच्छा था। दूसरी चीज ये कि इंजन का एक एडवांटेज आपको ये मिलता है कि इसमें किक स्टार्टर मिल जाता है, जो दूसरी कंपनीज वैनिश करती जा रही हैं बाइक्स में से, खास करके इस सेगमेंट की बाइक्स में से। अगर बैटरी लो हो जाए तो फिर ये प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे कि यामाहा FZ में भी नहीं है और बहुत सारी बाइक्स में अब नहीं दे रही है कंपनी। तो बैटरी लो हो जाए तो किक स्टार्टर से भी इंजन स्टार्ट हो सकता है। सुजुकी जिक्सर का आपको यहां पर मिलता है वो है इसका सस्पेंशन सेटअप। सस्पेंशन सेटअप और हैंडलिंग जो है गाड़ी की काफी अच्छी है, यानी कि कॉर्नर्स पर गाड़ी काफी स्टेबल रहती है 140 सेक्शन टायर की वजह से, और सस्पेंशन आपको इसमें काफी अच्छा मिलता है। अगर आप रियर सस्पेंशन दूसरे कॉम्पिटिटर्स से कंपेयर करते हैं तो कॉम्पिटिटर्स में आपको रियर सस्पेंशन 5 स्टेप एडजस्टेबल मिलता है, लेकिन सुजुकी जिक्सर में आपको 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है, जिससे एडजस्टिंग लिमिट्स बढ़ जाती हैं और ऑफ रोडिंग भी आप इससे इजिली कर सकते हैं। तो ओवरऑल सस्पेंशन सेटअप गाड़ी का काफी अच्छा है, जिससे हैंडलिंग भी काफी अच्छी हो जाती है और सीट हाइट भी आप इंक्रीज या डिक्रीज ज्यादा लिमिट्स तक कर सकते हैं। तो ये एक इसका एडवांटेज है कि 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है और 140 रियर सेक्शन टायर मिलता है। नेक्स्ट एडवांटेज है सुजुकी जिक्सर का वो है आपको इसमें ABS मिल जाता है। अगर आप 150cc 160cc के कॉम्पिटिटर्स में कंपेयर करते हैं तो आपको ABS जो है बहुत ही कम बाइक्स में मिलता है, तो उन बाइक्स में ये जिक्सर आती है। तो ABS से हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, ओवरऑल सेफ्टी पर कंपनी ने ध्यान दिया है। दूसरी चीज़ ये कि आपको फ्रंट डिस्क तो मिलती है, साथ ही साथ रियर डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आपके लिए ब्रेकिंग इंप्रूव हो जाती है ओवरऑल, और ब्रेक जो थे रियर ब्रेक भी इसका काफ़ी अच्छा था, इनिशियल बाइट भी उसमें थी। तो ओवरऑल ब्रेकिंग के मामले में जिक्सर को मैं अच्छा कहूंगा, जिसमें ABS भी आ जाता है और रियर डिस्क भी मिलती है। नेक्स्ट और लास्ट एडवांटेज यहां पर आपको सुजुकी जिक्सर का मिलता है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। अगर आप दूसरी गाड़ी से कंपेयर करते हैं तो इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोडेड है, जिससे कि गाड़ी की पूरी इन्फॉर्मेशन से ये आपको अप टू डेट रखेगा। खास करके बिगनर राइडर्स के लिए आपको इसमें गियर इंडिकेटर भी मिल जाता है, जो कि एक अच्छी चीज है, और गियर इंडिकेटर से आपको पता चलता रहेगा कि कौन से गियर पर गाड़ी है, और उसके बाद बाकी चीजें भी जो है इसमें शिफ्ट लाइट, जैसे प्रोग्रामेबल शिफ्ट लाइट है और ABS लाइट है, तो वो अच्छी चीज है कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवरऑल ऐसी चीजें हैं उसमें जो जरूरत वाली हैं और बेसिक फीचर्स कंपनी ने बिल्कुल भी मिस नहीं करे हैं। तो फीचर्स के मामले में भी मैं जिक्सर को अच्छा कहूंगा।
तो दोस्तों यही थे कुछ एडवांटेजेस। अगर आप सुजुकी जिक्सर ले रहे हो तो ये एडवांटेजेस शायद आपके लिए फायदेमंद होंगे, और अगर फायदेमंद हुए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस।